आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कहां से और एक अच्छी कॉलेज से, एक्सटेंडेड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से किस तरह आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप एक आपकी फाइनेंशियल काफी बैकग्राउंड वीक है तो आप पढ़ने की आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप किस तरह इंजीनियरिंग कर सकते हैं और वो भी अच्छी कॉलेजेस से। लेकिन मैं खास के उस कॉलेजेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ जहाँ पे आप एक्सटेंडेड यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे और साथ साथ में वहाँ भी बहुत से लॉट्स ऑफ फैकल्टी जो देखेंगे पढ़ाने वाले वो काफी एजुकेटेड लोग हैं, काफी हाई क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छी अच्छी जगह से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, काफी क्वालिफाइड पीएचडी इनफैक्ट पीएचडी तक के टीचर से वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी नॉलेज लेवल क्या होगी। इसलिए मैं सजेशन करूंगा उस कॉलेज के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से मौलाना आजाद नेशन उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मौलाना आजाद का नाम सुन के समझ लिया होगा आप लोगों ने क्या है कॉलेज। आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद इसका मेन ब्रांच है, आउट कैंपस है, लॉट्स ऑफ जगह पे आउट कैंपस है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कर देंगे तो मैं बता दूंगा। उस कॉलेज से आप फ्री ऑफ कोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम फी है वहाँ पे पर सेमेस्टर, और बस एक छोटा सा एंट्रांस आपको निकालना है जो कि बहुत बड़ा एंट्रांस नहीं होता है। और इसका मेन जो पॉजिटिव चीज वो ये है, इसका जो एंट्रांस होता है वो काफी इजी होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है। इसलिए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, आप डिप्लोमा हो, बीटेक, एनीथिंग, कुछ भी किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। इस तरह की अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, लाइक, शेयर बनता है। ओके, बाय।